दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले आप सभी को याद होगा एक सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा था और बताया जा रहा था कि ये गुजरात का है जहां पर अवैध बताकर दरगाह को तोड़ने के लिए नोटिस चिपकाया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर दरगाह के पास पहुंचती है, अवैध करार देती है, तो वहां के कुछ जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के लोग उन्होंने पत्थर बरसाया और पुलिस पर ज़बरदस्त तरीके से पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को चिन्हित किया और उस चिन्हित वाली जगह पर जहाँ पर चिन्हित किया गया था, जिस दरगाह के सामने ये पथराव हुआ था, उस दरगाह पर उन कुछ लोगों को खड़ा किया गया था। वो वीडियो आपने भी देखी होगी, कई सारे लोग जो है एक लाइन से दरगाह के आगे इकट्ठे हुए थे और एक शख्स जो है मुँह पर कपड़ा बांधा हुआ था और कहा जा रहा था कि पुलिस है, ये पुलिस वाले हैं, ऐसा ही कुछ खबर, ऐसे ही आरोप जो है वो लग रहे थे कि ये पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले उन तमाम लोगों को दरगाह के सामने खड़ा होकर कोड़े से पीटते हुए नजर आए थे, ऐसा ही दावा सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा था। अब देखिए ये वीडियो जो है दोस्तों इस वक्त भारत में तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ ही है और अब अब कतर से छपने वाला अखबार अल जज़ीरा भी इस वीडियो को शेयर कर रहा है अपने चैनल पर और देखिए क्या कुछ लिख रहा है। पहले मैं ये ट्वीट्स आपको दिखाना चाहूँगी जो अल जज़ीरा की तरफ से शेयर किया गया है मुस्लिम शख्स का, जहाँ पर कुछ 7-8 मुस्लिम शख्स हैं और दरगाह के सामने जो है उनको कोड़े से पीटा जा रहा है। कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ही चीज़ें मुसलमानों के साथ लगातार देखने को मिल रहा है। अल जज़ीरा इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखता है कि ये वीडियो जो है गुजरात का है। भारत में एक मुस्लिम धर्मस्थल के विध्वंस यानी कि तोड़ने के आदेश के खिलाफ हिंसक विरोध के बाद मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारते हुए दिखाया गया है। कोड़े मारते हुए यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब सोचिए दोस्तों, इंसाफ, जिसके पास हम इंसाफ की भीख मांगने जाते हैं, इंसाफ लेने जाते हैं, हमें उम्मीद होता है कि हमें इंसाफ यहीं से मिलेगा और जब इंसाफ देने वाला ही ऐसे इस तरीके से कोड़े बरसाने लगे तो वो चीज़ें याद आ जाती है दोस्तों कि इंसाफ किससे मांगा जाए, किसके पास जाया जाए इंसाफ के लिए, कौन हमें इंसाफ देगा। क्योंकि यहाँ पर इंसाफ मांगने वालों के पास जाइएगा तो वो कोड़े से पीटेंगे। क्या उनको अधिकार है दोस्तों कोड़े से पीटना? अगर जो भी चीज़ें गलत हुई है, अगर कोई गलत है तो उसको गलत कहना हम सबको अच्छे से आना चाहिए। अगर वहाँ पर पथराव हुआ था तो आप कानूनी कार्रवाई करके सज़ा दिला सकते थे। अगर उन्होंने गलत किया तो आप उसका डबल गलत कर रहे हैं, आपने भी डबल गलत किया है ना। अब ये पूरा मामला इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है दोस्तों, इंटरनेशनल तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, बार बार धार्मिक स्थलों पर कैसे अवैध बताकर निर्माण तोड़ने की जो चीज़ें आ रही है उसको लेकर भी तमाम गल्फ कंट्री में इस सवाल को उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कैसे भाजपा के भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अभी इससे पहले भी मैंने आपको एक खबर बताई थी दोस्तों, इस खबर में यही था कि कैसे मुसलमानों को उत्तराखंड के अंदर निशाना बनाया गया और अब सच सबके सामने आ गया कि उत्तराखंड में जो मामला था वो लव जिहाद का था ही नहीं। लेकिन सोचिए, जिस पर बीतता है वही जानता है। हम आप तो बता सकते हैं, आपको अवेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं खबर, लेकिन जिस इंसान पर, जिस शख्स पर बीतता है ना दोस्तों, वो फील कर सकता है, वो जान सकता है कि उसने कितने दुख कितनी तकलीफ़ देखे हैं। चाहे उत्तराखंड का मामला ले लीजिए या गुजरात का मामला ले लीजिए या फिर अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से मस्जिद को तोड़ने की धमकियां दी जा रही है और हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं, सैकड़ों लोग वो सड़कों पर उतर आए हैं, मस्जिद का ज़मीन आवंटित किया गया है, उस ज़मीन का विरोध करते हुए कि अगर ये मस्जिद बन गया तो वो तोड़ देंगे। तो ऐसी चीज़ें जो है हमारे देश में देखने को मिल रही है। सपोज़ कीजिए इन सारे सिनेरियो के पीछे कोई मुस्लिम समुदाय का शख्स होता, मुस्लिम नाम वाला होता, तो क्या ऐसे अगर वो कह रहा होता कि हम तोड़ देंगे दूसरे धार्मिक स्थलों को, दूसरे धार्मिक स्थलों पर हमला कर देंगे, तो उसको छोड़ दिया जाता? आज मीडिया के पास भी इन सवालों का जवाब नहीं है कि उसका नाम उर्दू वाला होता, उसका नाम रहीम रहमान होता तो क्या होता। वो भी आज चुप है, वो भी सारा तमाशा देख रहा है और इस तमाशे के हिस्सेदार बनकर मज़े से अपने चैनल के माध्यम से डिबेट किया जाता है और उस डिबेट में हाथापाई तक हो जाती है। और हाथापाई कौन करता है?
किस तरीके से होती है और कैसे मुसलमानों को कभी नाम के ऊपर तो कभी धर्म के ऊपर तो कभी लव जिहाद का मामला तो कभी फिल्मों के नाम पर ऐसे ही अटैक किया जा रहा है। तो सोचिए दोस्तों, अब ये मामला विदेश तक पहुंच चुका है और विदेश में जाकर जब ऐसी तस्वीरें कोई विदेशी लोग देखेंगे, विदेश के किंग देख रहे, जैसे सऊदी के किंग हुए दोस्तों, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देखेंगे, दुनिया भर में ये वीडियो, तो अब दोस्तों इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट से तो सब जगह ये वीडियो फैल ही गई होगी। तो सोचिए ऐसी वीडियो को देख कर, जो हमारा भारत सबसे प्यारा सबसे अच्छा देश जो हुआ करता था, उसकी छवि को कैसे धूमिल किया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।